आप सभी का स्वागत है ईआई स्पेशलाइजेशन में। और आज आप लोग को बताने वाले हैं कि यूपी के सभी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो डीडीयू यूनिवर्सिटी हो, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, सीसीयू यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू यूनिवर्सिटी हो, चाहे जितनी भी यूनिवर्सिटी हो, यूपी के सभी यूनिवर्सिटी में आप लोगों की जो परीक्षाएँ थी 30 जुलाई की परीक्षाएँ थी वो स्थगित कर दी गई थी। कहीं पर जो यूनिवर्सिटी थी उनकी ओर से 29, 30 और 31 जुलाई की परीक्षाओं को भी स्थगित किया गया था। लेकिन अब आप लोग को बता दें कि जैसा कि आप लोग को पता ही है कि आप लोगों की जो परीक्षाएं स्थगित हुई थी वो बीएड प्रवेश परीक्षा की वजह से स्थगित किया गया था, क्योंकि बीएड की प्रवेश परीक्षाएं और विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षाएं थी वो आपस में टकरा गई थी। दोनों ही पेपर आप लोगों के एक ही दिन हो रहे थे और इसी की वजह से कहा गया कि यूपी में कहीं पे भी और कोई परीक्षाएं नहीं होंगी जिस दिन बीएड की प्रवेश परीक्षाएं होंगी, चाहे वो सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, सभी की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था कि कोई भी परीक्षाएं 30 जुलाई को नहीं होंगी, सिर्फ बीएड की प्रवेश परीक्षाएं होंगी। लेकिन अब आप लोग की जो परीक्षा स्थगित की गई थी उसका मुख्य वजह तो बीएड प्रवेश परीक्षा था, लेकिन अब बीएड प्रवेश परीक्षा को ही स्थगित कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि अब बीएड की प्रवेश परीक्षाएं 30 जुलाई को नहीं हो रही हैं। अब जो परीक्षा की नई तिथि जारी की गई है वो 6 अगस्त को होगी। आप लोग यहाँ पे न्यूज में देख भी सकते हैं कि यहाँ पे पूरी बातें कही भी गई हैं कि आप लोगों के बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है उसे स्थगित कर दिया गया है। 30 जुलाई को बीएड की प्रवेश परीक्षा नहीं होंगी। अब जो परीक्षाएं होंगी वो 6 अगस्त को करवाई जाएंगी और जो रिजल्ट हैं वो अगस्त में जारी किए जाएंगे। तो ये सारी बातें तो यहाँ पे कही गई हैं, लेकिन यहाँ पे बीएड की प्रवेश परीक्षा को ही स्थगित कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि यूपी के सभी यूनिवर्सिटी में आप लोगों की जो परीक्षा स्थगित हुई थी अब नोटिस आएगी कि आप लोगों की परीक्षा को स्थगित नहीं किया जा रहा। जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं वो उसी तिथि पर करवाई जाएगी, यानी कि 29, 30 और 31 जुलाई को जिस विश्वविद्यालय में या फिर 30 जुलाई की जहाँ पर भी आप लोग की परीक्षा स्थगित हुई थी वो सभी परीक्षाओं को अब फिर से उसी तिथि पर करवाया जाएगा, क्योंकि जो मेन वजह थी बीएड की प्रवेश परीक्षा वही अब स्थगित हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि परीक्षाओं को अब स्थगित करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो उसी तिथि पे करवाई जाएंगी। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप लोगों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जल्द ही आ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की परीक्षाओं को स्थगित किया गया था। आज 24 जुलाई है, तो जाहिर सी बात है कि कल तक या आज तक शाम तक ही आप लोग की जो यूनिवर्सिटी है उनकी ओर से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आप लोग की जो परीक्षा है वो उसी तिथि पे करवाई जाएगी। बाकी और जो जानकारी आएगी वो आप लोगों को देते रहेंगे। इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपने परीक्षा संबंधित कोई भी सवाल हो तो अपने सवाल को भी कमेंट कर दें।